खबरों में और बात करेंगे नक्सली एनकाउंटर पर। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा बीजेपी नक्सली के नाम पर आदिवासी को भी मार देती है, पूरी जानकारी आ जाए तभी कुछ कह सकते हैं। एक तरफ बातचीत की अपील करते हैं, दूसरी तरफ मुठभेड़ हो रही है, दोनों बातें एक साथ नहीं चलती हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो चाहती क्या है। रमन सरकार के समय नक्सली घटना चरम पर थी, हमारी सरकार में इस पर बहुत नियंत्रण था। पूरी तरह से कुछ कह पाना उचित नहीं है क्योंकि ये नक्सलियों के नाम में आदिवासियों को भी मार देते हैं, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी इस पर पूरी जानकारी आ जाए तब हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन वो गृह मंत्री कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं नक्सलियों से कि वो आए और बातचीत करें, क्या चाहते हैं? अब गृह मंत्री की कितनी चलती है उनकी सरकार में मैं नहीं कह सकता। पूरे भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार रही है, नक्सली घटनाएं उस समय चरम सीमा पर थी और हमारी सरकार आने के बाद नक्सली घटनाओं में बहुत कमी आई थी। और अब की सरकार अगर नक्सली घटनाओं के लिए वार्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ नक्सलियों से मुठभेड़ भी हो रहा है तो दो बातें नहीं चलती उनको अपनी। रहते शिव डहरिया का ये कहना है कि कई आदिवासी भी मारे जाते हैं और उनको नक्सली के तौर पर बीजेपी गिना देती है। ममता लांजेवार सहयोगी साथ जुड़ गई है। ममता, और अब राजनीति इस स्तर तक आ गई है कि अगर नक्सली मारे जा रहे हैं तो आदिवासियों को गिनाया जा रहा है कि आदिवासी भी अगर उनकी भी हत्या या मौत हो रही है तो उनको नक्सलियों में गिना जा रहा है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। इस स्तर की राजनीति छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हवा को कहां ले जाएगी? देखिए, जब भी एनकाउंटर होता है, जब भी नक्सल एनकाउंटर होता है तो इस तरह की सियासत जो है वो सामने ज़रूर आती है। चाहे अगर हम बात करें तो पहले की सरकारों में भी अगर बात करें तो जब इस तरह की चीज़ें होती थी तो सवाल इस बात को लेकर उठाए जाते थे कि वो वाकई नक्सली थे या ग्रामीण थे। तो जब नक्सल एनकाउंटर होता है तो इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। पिछली बार भी अगर हम बात करें तो सवाल उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस जो है वो बैकफुट में आ गई थी। अभी अगर हम बात करें तो अभी शिव डहरिया का बयान आया है, उनका कहना था कि पहले पूरी जाँच होनी चाहिए कि जो मारे गए हैं वो नक्सली हैं या फिर ग्रामीण हैं। क्योंकि देखिए, बात शिवदर्या के बयान की नहीं है, हालांकि इस पर ये जरूर है कि पिछली बार जो है पूरे नाम आए थे नक्सलियों के, कि और जो नक्सलियों के जो का जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी दिया था कि कौन, उन्होंने जो लेटर जारी किया था उसमें नाम बकायदा दिया था कि कौन कौन से नक्सली मारे गए हैं। केवल दो लोगों के को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी जो है जो शिव डहरिया ने बयान उठाया उसका कारण जो भी हो, लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो फर्जी मुठभेड़ को लेकर जो है बस्तर में लगातार कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें फर्जी मुठभेड़ हुए हैं और उसको लेकर विधानसभा में भी मामले उठे हैं। चाहे तो इस अब देखना यह है कि शिव डहरिया का जो बयान आया है उसमें किस तरह की सियासत जो है वो और सामने आती है, बीजेपी की तरफ से क्या इनका इसको लेकर बयानबाजी दी जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो नक्सली मारे गए हैं उनकी किस तरह की डिटेल आती है ये भी देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, ये भी देखने वाली बात होगी। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता। राजीव जी, आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई आदिवासी की भी मौत होती है या हत्या होती है तो उसे नक्सली करा दिया जाता है बीजेपी की तरफ से अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए। क्या कहेंगे सबसे पहले आपका कॉमेंट इस बयान पर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे देश के जो सीमा सुरक्षा बल के सैनिक है, लोकल पुलिस है, अपने जान में को जोखिम में डालकर नक्सलियों का एनकाउंटर करते हैं और जब बहुत ही बड़ा इनपुट मिलता है उसके बाद इस प्रकार की बयान देने से नक्सलियों के हौसले बुलंद होते हैं और सुरक्षा बलों के हौसले खत्म होते हैं। ये कांग्रेस की पुरानी सोची समझी चाल रही है। बाटला इनकाउंटर पे वो रोते हैं आतंकवादियों के मारे जाने पर, भटके हुए नौजवान कहते हैं कश्मीर के आतंकवादी मारे जाने पर, और हमारे सैनिक सुरक्षा बल हमारी लोकल पुलिस के शहादत पर इनके आंखों से आंसू नहीं निकलते लेकिन मुंह से गंदे गंदे शब्द और शर्मनाक बयान निकलते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभय नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपसे आगे बातचीत करूंगी। अभय नारायण जी, कंफ्यूजन किस बात का है? अगर नक्सली मारे जा रहे हैं तो नक्सली कहा जा रहा है उन्हें, आदिवासियों को गिराने की जरूरत क्यों आएगी? कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार अगर नक्सली और प्रशासन का झगड़ा होता है तो बीच में आदिवासी मारे जाते हैं। ये बात कोई हम आज नया नहीं कह रहे हैं।
कांग्रेस शुरू से इस बातों को कह रही है कि चाहे गोली नक्सलियों की ओर से चले चाहे गोली प्रशासन की ओर से चले, गोली से तो नक्सली आदिवासी मारा जाता है और हम कोई नक्सलियों के मारने पर नक्सलियों को खत्म करने की बात खड़ा नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो साय सरकार कहती थी, इनके गृह मंत्री कहते थे कि हम बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ धड़ाधड़ इनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। तो अगर नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सली का खात्मा हो रहा है, लेकिन तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सब्र करना चाहिए। कांकेर का लिस्ट जैसे वो जारी किया गया था कि कितने नक्सली थे, कहां के थे, कितने कमांडर थे, इसमें 3 से 4 टॉप कमांडर थे, आपको याद होगा वो लिस्ट, आपने भी देखा ही होगा। तो थोड़ा सब्र रखिए कि इस तरह लिस्ट आगे भी जारी की जाएगी, लेकिन इस तरह के से बयान देकर भटकाना मुद्दों से ये सही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय जी, बहुत शुक्रिया। राजीव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ममता आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धमतरी की। धमतरी में नक्सली मुठभेड़ का मामला सामने आया और एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। रावण डिग्गी के जंगल में एनकाउंटर किया गया और मिचका थाना क्षेत्र में रावण डिग्गी आता है, यहीं पर नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। धमतरी की ये घटना जहां धमतरी में नक्सली मुठभेड़ का मामला सामने आया और यहां पर एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। रावण डिग्गी के जंगल में एनकाउंटर किया गया, कौन है, क्या है, क्या कोई टॉप कमांडर है, इस बारे में भी जानकारी साझा की जाएगी। अभिषेक पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पता चल पाया है कि ये कोई टॉप कमांडर तो नहीं था? देखिए, मुठभेड़ की खबर आने के बाद धमतरी एसपी खुद रवाना हो गए हैं और मौके के लिए, साथ ही साथ जो फोर्स डीआरजी की फोर्स मुठभेड़ जारी है जहां पर, वहां पर लगी हुई है। जब तक फोर्स वापस ना आ जाए तो पूरी डिटेल नहीं दी जा सकती। एक नक्सली के मारे जाने की पुष्टि हो गई है और उसकी लाश को साथ ही साथ जो जवान डीआरजी के जवान है मोर्चा संभाले, उन्हें सुरक्षित वापस लाना भी एक बड़ी चुनौती है। जब तक सारे जवान वापस ना आ जाए पुलिस किसी भी तरह की जानकारी देने से अभी मना कर रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे बीजापुर की। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई और आईईडी की चपेट में एक युवती आ गई, आदिवासी युवती की मौत हो गई है। गंगालूर के मल्लूर गांव का यह मामला बताया जा रहा है और ऐसे में बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, जहां जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया था, लेकिन एक युवती इसकी चपेट में आ गई और आदिवासी युवती की मौत हो गई है। फिलहाल ये युवती किस गांव की रहने वाली थी ये नहीं पता चल सका है, अभी भी जांच चल रही है। आदिवासी युवती के मौत के मामले में गंगालूर के मनूर गांव में पूछताछ चल रही है कि किस घराने की, किस घर की, किस गांव से युवती ताल्लुक रखती थी। आईईडी की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। बीजापुर का ये मामला बताया जा रहा है जहाँ नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया था। दिनेश कश्यप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है युवती के बारे में, कुछ पता चल सका कहाँ की रहने वाली थी युवती और कैसे इसकी चपेट में आई? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला समेत 12 नक्सली के साथ शव बरामद किए गए थे। उसी दरमियान जब ये मुठभेड़ हो रही थी तो बीजापुर में जो ग्रामीण है वो तेंदुपत्ता तोड़ने गए हुए थे, जिसमें 25 से 30 ग्रामीणों को पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ के बीजापुर लाई है। और जो बताया जा रहा है कि जो महिला है वो तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी, इसी दरमियान उनको उसे गोली लगी, सॉरी उस आईडी के चपेट में आने के बाद उस महिला की मृत्यु हो गई। अब उस महिला की मृत्यु के बाद जो पीड़िया के और आसपास के गांव के लोग 250 से 300 लोग बीजापुर पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ जो नक्सली मूवमेंट के समय कुछ ग्रामीणों को भी पुलिस बीजापुर लेके आई थी इसी, और ये जो महिला आईडी के चपेट में आ गई थी, ये सब मामले को लेके आज पूरा बहुत सारे जो ग्रामीण है वो बीजापुर पहुंचे हुए हैं। और पीड़िया के आसपास, बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। कांकेर में शव दफनाने को लेकर विरोध जताया गया, परिजनों ने शव को सड़क किनारे दफनाया, ग्रामीणों ने शव दफनाने का विरोध किया है। मृतक के परिवार ने धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया है। शव दफनाने पर ग्रामीणों ने गुस्सा जाहिर किया है, दूसरे जगह शव ले जाने की मांग की गई है और
ये जानकारी, ये मामला जो है वो बांदे के मरूड़ा गांव का बताया जा रहा है। कांकेर में शव दफनाने को लेकर विरोध जाहिर किया गया है ग्रामीणों की तरफ से। परिजनों ने शव को सड़क किनारे दफनाया, जिसके बाद ग्रामीण जो है इसका विरोध करने लगे और अब गुस्सा है ग्रामीणों में। दूसरे जगह शव दफनाने की मांग की जा रही है। खेम नारायण शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, आखिर क्यों जो ये ग्रामीण है वो विरोध कर रहे थे? देखिए, जो एक गांव का मामला सामने आया है पखांजूर के मरोड़ा गांव का, तो वहां पर एक जो महिला है कोरिया बाई, वो जो है धर्मांतरण करके क्रिश्चियन धर्म जो अपना ली है, और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके परिजनों ने जो है गांव के सड़क के किनारे ही उनका शव दफन कर दिया है। तो उस बात को लेकर जो है जो आदिवासी जो लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो गांव के जमीन पर जो है इस तरीके से जो शव है उसे न दफनाएं और इसे कहीं और ले जाकर जो है इस शव को दफनाने की क्रिया करें। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए खेम नारायण। और अब बात जांजगीर चांपा की, जहां सीएम के वीडियो पर एफआईआर दर्ज हुई है। एडिट वीडियो की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी ने यह मामला दर्ज कराया है और जांच में पुलिस जुट गई है। मुख्यमंत्री का जो वीडियो है वो एडिट किया गया था और कांग्रेस के पार्षद पर एडिट करने का आरोप लग रहा है और मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। और अब खबर कोरबा से है, जहां 2 करोड़ के एल्यूमिनियम से लदे ट्रक गायब हो गए। बालको प्लांट से गुजरात ये ट्रक जा रहे थे। 2 ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बालको प्लांट से गुजरात जा रहे थे ये ट्रक और अचानक से दोनों ही ट्रक गायब हो गए हैं। फिलहाल ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है कि ड्राइवर का हाथ तो नहीं है इसमें, और जांच चल रही है। कोरबा में 2 करोड़ से भी ज्यादा का जो माल है वो ट्रक में लोडेड था और अब बालको प्लांट से गुजरात जा रहे थे ये ट्रक, लेकिन कुछ अता पता नहीं कि ट्रक कहां पर है। दोनों ही ट्रक के ड्राइवरों पर मामला दर्ज कर दिया गया है। पेंड्रा में नकली सोना देकर ठग